हेलो फूडीज फ्रेंड्स, मैं सबा फिरोशी, एक सबाज किचन में आप सबका स्वागत है। मैं बना रही हूँ करेले की चिप्स। आप इसे टी टाइम में स्नैक्स के तौर पर बनाएं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा खाने में कड़वे भी नहीं लगते हैं। तो आइए बनाते हैं करेले की चिप्स। करेले की चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम करेले। करेले को छीलकर पतले स्लाइसेस में कट कर लीजिए और काटते समय जितने भी बीजे निकलते हों उसे निकाल लें। 100 ग्राम बेसन, नमक स्वाद अनुसार से, थोड़ा ज़्यादा लें क्योंकि नमक के पानी में हम करेले को डुबो कर रखेंगे कुछ देर, जिससे कि करेले की कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर के बदले आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और चिप्स तलने के लिए हमें चाहिए होगा तेल। करेले की चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले करेले में डाल दें पानी। करेले पूरी तरह से पानी में डूबे हों इसमें इतना पानी ऐड करें और फिर एक बड़ा चम्मच नमक डालकर मिला लें। नमक से करेले में जो कड़वापन होता है वो कम हो जाएगा। नमक डालकर मिलाने के बाद इसे हम यूं ही साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है, करेले में जो नमक का पानी है इसे निकाल लें। करेले को छन्ने में रखकर पानी छान लें। छन्ने के नीचे मैंने रखा है पतीला, जो कि पानी पूरा पतीले में गिर जाएगा और ये पानी हमारे किसी भी काम का नहीं है, तो इसे फेंक दें। और करेले को अच्छे से रनिंग वाटर में धोकर किचन टॉवल या फिर एब्जॉर्बिंग पेपर पर रखकर सुखा दें। और जब ये सूख जाए तो इसे मिक्सिंग बाउल में डाल दें। करेले में बेसन और सारे मसाले डाल देंगे। बेसन के बदले आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। चावल के आटे से भी चिप्स क्रिस्पी बनते हैं, या फिर आप बेसन और चावल का आटा दोनों ही यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो लीजिए, सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं, इसे अच्छे से मिला लेंगे। बेसन और मसाले करेले पर अच्छे से कोट हो जाए। करेले में होता है मॉइस्चर, जिससे कि मसाले डालते ही करेले की सब्ज़ी पानी छोड़ने लगती है। तो आप फिक्र ना करें, बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। तो ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली हैं। कढ़ाई में तेल गरम करने रखें। तेल गरम हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए करेले का एक टुकड़ा डालकर देखें। तो तेल अभी पूरी तरह से गरम नहीं हुआ है। जब करेला तुरंत ऊपर आ जाए तो समझे तेल गरम हो गया है। अब करेले को चम्मच की मदद से गरम तेल में डालकर इस तरह से फैला लीजिए हल्के हाथ से। इसे हम 2 से 3 बैचेस में फ्राई करेंगे। कढ़ाई में करेले ज़्यादा भी भर कर ना डालें, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक साइड से फ्राई करने के बाद इसे बीच बीच में पलटते हुए दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। और इसे हम फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। जब ये पूरी तरह से ब्राउन हो गए हो और क्रिस्पी दिखने लगे तो इसे निकालकर आप छन्ने में रखें। एब्जॉर्बिंग पेपर पर इसे ना निकालें, एब्जॉर्बिंग पेपर पर ये नरम पड़ जाएंगे, इसलिए इसे जाली वाले छन्ने पर निकाल कर रखें। बाकी के चिप्स भी आप इसी तरह से फ्राई कर लीजिए तेज़ आंच पर। ये आप देखें करेले के चिप्स कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। इसे आप टी टाइम में सर्व करें अदरक वाली चाय के साथ या फिर मसाला चाय के साथ। अदरक वाली चाय की रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप फूडीज फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की अपडेट्स नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।